हाउ डज रिलीजियस ओसीडी गेट वर्स्ट? हाउ डज रिलीजियस ओसीडी गेट वर्स्ट? रिलीजियस ओसीडी भयंकर कब बन जाती है? धार्मिक ओसीडी भयंकर रूप कब धारण कर लेती है? एक प्रचंड रूप कैसे धारण करती है धार्मिक ओसीडी? आइए जान लेते हैं आज के इस रिलीजियस ओसीडी के वीडियो में। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस अद्भुत रिलीजियस ओसीडी के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। हाउ डज रिलीजियस ओसीडी गेट वर्स्ट? रिलीजियस ओसीडी भयंकर रूप कब धारण कर लेता है? रिलीजियस ओसीडी कैसे भयंकर बनता है? सबसे पहले जो कंपोनेंट जिम्मेवार है रिलीजियस ओसीडी को भयंकर रूप देने वाला, वो है विचारों को सप्रेस करना, विचारों को दबाना। हम विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, खास करके रिलीजियस ओसीडी में ऐसा होता है कि जो विचार बुरे आ रहे हैं, जो विचार गंदे आ रहे हैं, सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति, देवता के प्रति, भगवान के प्रति जो उल्टे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, वो विचार समस्या है और उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तब ये रिलीजियस ओसीडी भयंकर बन जाता है। क्योंकि विचारों को दबाया नहीं जा सकता है, जबरदस्ती विचारों को दबाया जा नहीं सकता है। जैसे ही हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग उतनी ज्यादा ऊपर उछलता है, ऐसे ही जिन विचारों को ज्यादा दबाया जाएगा वो विचार ज्यादा आएंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आतंकवादी के विषय में नहीं सोचना है, आतंकवादी के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है, आतंकवादी के विषय में सोचा तो बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। सबसे पहले इमेज क्या आई दिमाग में, इमेज क्या आई मन में आतंकवादी के विषय में? जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी है, घुसपैठी हैं, उन्हीं के तो इमेज बनी। क्या किसी के मन में भगवान की इमेज बनी? क्या किसी के मन में, क्या किसी के मन में किसी सिंगर की इमेज बनी? क्या किसी के मन में किसी हीरोइन की इमेज बनी? कुछ लोग मजाक के तौर पर कह सकते हैं कि आतंकवादी सुनते ही पत्नी की इमेज जरूर बन गई, वो एक अलग विषय है, आतंकवादी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही आतंकवादी के विषय में नहीं सोचना, आतंकवादी के विषय में पक्का कर देता है सोचने को। जिस विचार को नहीं सोचना है वही विचार सोचा जा रहा है, उसी विचार को सोचने का ऑर्डर मिल रहा है मन को। तो सबसे पहला नियम है कि इन विचारों को जब दबाने की कोशिश की जाती है, ओसीडी वाले विचारों को, धार्मिक ओसीडी वाले विचारों को, तब ये भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो इन विचारों को दबाएं ना, आने दें, बस जाने दें, तो इलाज हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट जान लेते हैं इसको भयंकर रूप देने वाला। दूसरा कंपोनेंट है मेंटल आर्ग्यूमेंट, मन ही मन आर्ग्यूमेंट चलते रहना, मन ही मन थॉट्स को कैंसिल करना, थॉट्स को समझाना, खुद को समझाते रहना, जस्टिफाई करते रहना, खुद को कभी गिल्टी फीलिंग कभी सही, बस इधर उधर खुद को करते रहना रिलीजियस ओसीडी को भयंकर रूप दे देता है। तो सबसे जरूरी क्या है, तो मेंटल आर्ग्यूमेंट में ना फंसें, मन में जो चल रहा है उसे देखें और उसे बाईपास हो जाने दें, जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो जा रहे हैं जाने दें, आने वाले को रोके मत, जाने वाले को टोके मत। तो मेंटल आर्ग्यूमेंट ना करें, खुद को समझाने की, खुद को जस्टिफाई करने की, खुद को पवित्र एक भगत बताने की कोशिश ना करें। जो आ रहा है आ रहा है, जा रहा है जा रहा है, तो मेंटल आर्ग्यूमेंट में ना फंसें। और तीसरा कंपोनेंट है सिलेक्टिव अटेंशन। धार्मिक ओसीडी में सिलेक्टिव अटेंशन होती है, जिनके मन में धर्म के विषय में गलत विचार आते हैं वो उन्हीं विचारों को ज्यादा फोकस करेंगे जो उल्टे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं। जिनके मन में सेक्सुअल विचार आते हैं धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, देवी के प्रति, तो वो प्राइवेट पार्ट्स की तरफ अटेंशन दे देते हैं और उनके मन में जैसे ही वो अटेंशन देते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं उन विचारों को, तो शरीर में एक फीलिंग उठती है, एक सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सेंसेशन, उसे टिंगलिंग सेंसेशन बोला जाता है। प्राइवेट पार्ट्स के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होती है, तो उनको लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, शरीर उनका क्या कर रहा है, वो उठ के भागेंगे, इधर उधर देखेंगे, बेचैन हो जाएंगे, पसीना पसीन हो जाएंगे, मन में ही उलझ जाएंगे। तो वो ध्यान दे रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की तरफ या उन्हीं विचारों की तरफ जो कि रिलीजियस ओसीडी वाले हैं। तो सबसे भयंकर रूप ओसीडी, धार्मिक ओसीडी को बनाता है सिलेक्टिव अटेंशन।
सिर्फ कुछ ही चीजों के ऊपर फोकस देना, शरीर के बहुत सारे और अंग हैं उनकी बजाय सिर्फ प्राइवेट पार्ट की तरफ ही ध्यान जाना, सिलेक्टिव अटेंशन होना धार्मिक ओसीडी को भयंकर बनाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आता है धार्मिक ओसीडी को वर्स्ट बनाने वाला, वो है रिचुअल करना। जैसे ही शरीर के अंदर टिंगलिंग की सेंसेशन हुई, कुछ प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान गया, तो कुछ रिचुअल बनाना, बार बार नाम लेना, बार बार माफी मांगना, बार बार मन्नत मांगना कि भगवान इस बार माफ कर दे, इस बार गलती होगी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, इस बार बस बख्श दे, अगली बार कुछ नहीं होगा, कुछ गिनना, तीन चार ओड इवन के चक्कर में फंसना, कुछ कट करते रहना, कुछ चीजों को कैंसिल करना, कुछ चीज़ों को लाना, इस तरह की रिचुअल अपनाना, एक दो तीन गिनना, गिनती गिनना, रंगों की अलग अलग पहचान करना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, कुछ रिचुअल में फंस जाना रिलीजियस ओसीडी को भयंकर बना देता है। इसके साथ एक अन्य कंपोनेंट होता है रीइंश्योर करना, खुद से ही खुद से पूछते रहना कि मैं ठीक हूँ क्या, क्या मैं अच्छा सोच रहा हूँ क्या, क्या मैं बुरा सोच रहा हूँ क्या, दूसरों से पूछते रहना कि ऐसा हो जाता है तो क्या करें, किसी न किसी बहाने से दूसरे से पूछते रहना, किसी धार्मिक इंसान से पूछते रहना, किसी अन्य सूझवान इंसान से पूछते रहना, रीइंश्योर करना, अपने आप को रीइंश्योर करते रहना। कई बार ये रीइंश्योर करना फायदेमंद भी हो जाता है, किसी शाने एक्सपर्ट इंसान के साथ आप बात करते हैं कि मेरे मन में ऐसा हो रहा है, तो आपको फायदा भी मिल सकता है, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं, थेरेपिस्ट को बताते हैं तब आपको हकीकत से रूबरू हो जाते हैं। तो रीइंश्योर ऐसे इंसान से करें जो कि एक्सपर्ट हैं, ऐसे इंसान के साथ बात साझा ना करें, उनसे ना पूछें जो कि खुद उलझा हुआ है। तो ये कंपोनेंट जिम्मेवार हैं धार्मिक ओसीडी को गलत बनाने वाले, धार्मिक ओसीडी को भयंकर बनाने वाले। तो आज की इस वीडियो में जाना कि धार्मिक ओसीडी कैसे भयंकर बन जाता है और कैसे होता है इसका इलाज। इसके इलाज के लिए साइकोथेरेपी है, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी और द पावर ऑफ नाउ थेरेपी और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी कि वास्तव में भगवान है क्या। सिर्फ भगवान नियमों का नाम है, वो भगवान नहीं है जिन भगवान को हमने बनाया है। ये तो हमारी कल्पना शक्ति के चमत्कार हैं, जितनी भी मूर्तियां आज देखते हैं, जितने भी काल्पनिक चित्र हैं, वो तो इंसान की कल्पना शक्ति का चमत्कार है, ना कि भगवान है। वो तो महज एक कागज है, पत्थर की मूर्त मात्र है, रियल में भगवान कोई और है, रियल में तो कुछ और ही है, रियल में तो कुछ और ही है। वो और क्या है, उससे रूबरू हो जाएं, हकीकत से रूबरू हो जाएं, इलाज हो जाता है। आप इन वीडियोज़ के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर शेयर करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ।